इस वीडियो में हम जानेंगे BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से नई पोस्ट अपडेट की गई है, जिसकी एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2022 है। ये फॉर्म ऑफलाइन है। इस फॉर्म को आप किस प्रकार से अप्लाई करेंगे और बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा कैसे आवेदन फॉर्म को पोस्ट करेंगे, इसमें ऑनलाइन फी पेमेंट करना है। सो फी पेमेंट करने का भी प्रोसेस यहाँ पे हम जानेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इस आवेदन फॉर्म को सबसे पहले आपको A4 साइज में प्रिंट आउट करनी पड़ेगी। इस आवेदन फॉर्म की जो लिंक है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं या तो आप इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। सो आवेदन फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे कंट्रोल नंबर मिलेगा, इसमें आपको फिलअप नहीं करनी है। जो फॉर्म रिसीव करेंगे वही इसमें कंट्रोल नंबर यूज करेंगे, लिखेंगे। इसके बाद नेम ऑफ पोस्ट लिखना है, आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें आपको कई प्रकार की भर्तियां एक्टिवेट की गई हैं। जिस भी वैकेंसी के लिए आप आवेदन पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। इसके बाद सीरियल नंबर आप एडवर्टीजमेंट लिखेंगे। सीरियल नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा 04/2022 आपको इसमें लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक फोटो चिपकाना है, फोटो आपका लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है और यहाँ पे आपको अपने कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, आप किस कैटेगरी से आते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको वेटेंस मार्क लिखनी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी में कौन कौन से जाति के लोग आएंगे यहाँ पे देखिए मेंशन की गई है। तो अगर आप इन जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप इस पे नो पे सेलेक्ट कर लीजिए। जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जिस प्रकार से आपका नाम लिखा जाएगा वही नाम आपको यहाँ पे फुल कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद आपको अपने फादर का नाम लिखना है, ये भी कैपिटल लेटर में। इसके बाद आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे लिख लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिख लेना है, पिन कोड और स्टेट। अगर आप सेम पते पर रहते तो वही पता आप यहाँ नीचे भी लिख लेंगे। इसके बाद आपको ये पेज भी प्रिंट आउट कर लेनी है। यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन फी की डिटेल्स को ऐड करनी है। ध्यान दीजिए, अगर आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा 50 रुपीज। फी पेमेंट करने के लिए आपको ये लिंक पर आना है, ये लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप क्लिक करते ही डायरेक्ट इस पेज पर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे प्रोसेस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, किसके लिए आप फी पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने डिटेल्स को लिखनी है, आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखनी है, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे स्टेट लिखेंगे और यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार नंबर को लिखनी है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर जो है मैंने आपको बता दिया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आपका ट्रेड क्या है वो ट्रेड आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद अमाउंट आपको कितना पेमेंट करना है वो लिखेंगे। रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपका इस प्रकार से शो होगा। आपको यहाँ नीचे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप नेट बैंकिंग के द्वारा करेंगे तो यहाँ से क्लिक करके करेंगे, अगर आप कार्ड के द्वारा करेंगे तो यहाँ पे कार्ड की कई सारी ऑप्शंस मिल जाएगी। अगर आप UPI के द्वारा पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे UPI की कोई चार्ज नहीं है, आप UPI के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जिससे भी आपको बेटर लगे आपको डायरेक्ट उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले कार्ड का नंबर लिखना है, यहाँ पे कार्ड की एक्सपायरी लिखनी है, इसके बाद कार्ड किसके नाम से है वो लिखना है, CCV कोड यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद कैप्चा जो आपको शो हो रहा है आपको इस बॉक्स में लिख के यहाँ पे के बटन पे क्लिक करके आप वेरीफाई करके पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा जिसपे आपका डिटेल्स दिखाया जाएगा। रिसिप्ट में सबसे पहले बैंक का नाम आपको लिखना है, इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट किए हैं तो उसका रेफरेंस नंबर मिलेगा वो नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, ट्रांजेक्शन डेट क्या है वो लिखेंगे, इसके बाद अमाउंट कितना है अमाउंट यहाँ पे आप लिख लेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आपके घर में EX सर्विस मैन है, तो यहाँ पे यस करेंगे नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप सर्विस में रिटायरमेंट हो चुके हैं तो यहाँ पे यस करेंगे नहीं तो नो करेंगे। अगर आप आर्मी में सर्विस किए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे नहीं तो नो करेंगे। अगर आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे नहीं तो आप इनमें नो कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपको मिलेगा CPL के लिए तो आप यहाँ पे यस करेंगे नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी हैं तो यस करेंगे नहीं तो नो करेंगे। अगर आप स्पोर्ट मैन है यहाँ पे आप यस सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप स्पोर्ट लेवल में स्टेट लेवल के हैं तो 1 लिखिए, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं तो 2 लिखिए, यहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल से हैं तो आप इस बॉक्स में 3 लिखेंगे। इसके बाद अब आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स को ऐड करनी है।
सबसे पहले यहाँ पर टेंथ या हाई स्कूल लिख सकते हैं, इसके बाद पासिंग ईयर लिखेंगे, बोर्ड का नाम लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है वो सब्जेक्ट लिखेंगे, मार्क क्या है और आउट ऑफ कितना टोटल मार्क है वो लिखेंगे, इसके बाद परसेंटेज लिखेंगे। इसके बाद 12वीं की क्वालिफिकेशन देना चाहेंगे तो यहाँ पे सेम इसी प्रकार अपने डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा और भी कोई क्वालिफिकेशन है, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो भी आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैं आईटीआई या डिप्लोमा की कोई क्वालिफिकेशन है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पासिंग ईयर लिखेंगे, यहाँ पे बोर्ड लिखेंगे। बोर्ड में आपको अगर एनसीवीटी से किया है तो एनसीवीटी या एससीवीटी से किया है तो एससीवीटी, उसके बाद कितना नंबर टोटल होता है वो और कितना नंबर पाए हैं वो, उसके बाद परसेंटेज लिखनी है। तो यहाँ पे जितना आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो आप ऐड कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कही गई है, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस की सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, एलएमबी का है या एचएमबी का है या अदर का है, जो भी है वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। इशू क्या डेट है वो लिखेंगे, ऑथोराइज कहाँ से आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस ऑथोराइज की गई है वो लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी, आपको यहाँ पे पीरियड लाइसेंस लिखनी है कि कब तक आपकी ये लाइसेंस चलेगी। इसके बाद रिन्यूअल कब आपका होगा यहाँ पे आप लिखेंगे। ये सभी डिटेल्स लिखने के बाद अब आपको नीचे आ जाना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे डिटेल्स को आप ऐड करके वो कॉपी आप अटैच करेंगे। यहाँ ऊपर मेंशन की गई है बीआरओ लेवल या सीपीआर एक्सपीरियंस है उनके लिए यहाँ पे है, तो अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। इसके बाद आपको नीचे डिक्लेरेशन मिल जाएगा, डिक्लेरेशन आपको पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पे प्लेस लिखना है अपना, इसके बाद यहाँ पे डेट लिखनी है, यहाँ पे बाएं अंगूठे का निशान आपको लगाना है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको एक फोटो चिपकाना है और यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है, ये बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है। अब यहाँ एडमिट कार्ड में आपको क्या क्या फिलअप करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, इसके बाद यहाँ पे अपना फुल एड्रेस लिखनी है, इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करनी है और यहाँ पे आपको अपने अंगूठे का निशान लगाना है। ये एप्लीकेशन के लिए सिग्नेचर मांगी गई है, यहाँ पे फिजिकल टेस्ट के लिए आपका सिग्नेचर और आपके बाएं अंगूठे का निशान मांगा जाएगा, इसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए यहाँ पे सिग्नेचर करनी है, इसके बाद रिटेन एग्जाम के लिए करनी है। ये सभी ऑप्शंस पे आपको सिग्नेचर और बाएं अंगूठे का निशान लगाना है। अब ये सभी फॉर्म फिलअप होने के बाद अब आपको एक लिफाफे में पैक करना है। ये मैं आपको एक सैंपल के रूप में लिफाफा दिखा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार का आपका लिफाफा होना चाहिए। ऊपर यहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स होने चाहिए, इसके बाद यहाँ पे कहाँ पे आप पोस्ट कर रहे हैं वो एड्रेस आपको लिखना है। इसके साथ आप दो लिफाफा और दीजिएगा, दो लिफाफा कैसा होगा ये देखिए, सबसे बड़ा लिफाफा रहेगा आपका, इसके बाद दो इससे छोटा लिफाफा होना चाहिए जिससे आपका एडमिट कार्ड प्राप्त हो, क्योंकि नेक्स्ट आपका जो एडमिट कार्ड आएगा तो ये लिफाफा वो नहीं सेंड करेंगे, आप दूसरा लिफाफा जो दिए रहेंगे तो उसी लिफाफे पे आपको आपका सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको खुद से लिखना होगा, यानी कि जो नाम पता एड्रेस है वो आप अपने लिफाफे पे लिखेंगे और उसके बाद वो लिफाफा आप इसी लिफाफे में ऐड करेंगे। अब पोस्ट कैसे करना है, आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स लिख लेना है। लिखने के बाद अब अपने एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड की जो फॉर्म है ये सभी फॉर्म को आपको रख लेना है, फ़ोटो लगा लेनी है, एक एक्स्ट्रा फोटो भी आप ले लेंगे। इसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज देनी है वो डॉक्यूमेंट्स आप सेलेक्ट कर लेंगे, मोड़ कर आपको लिफाफे में रखना है। रखने के बाद आप लिफाफे को पैक करेंगे और उसे सील करेंगे, सील करने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस पे जाना है। फॉर्म को आपको सिंपल साधारण डाक के द्वारा पोस्ट करनी है, साधारण डाक की जो चार्जेज है 40 से 42 रुपए है, आपको उतना पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म को पोस्ट कर लेंगे, पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही आपकी एडमिट कार्ड आएगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है इस फॉर्म को कंप्लीट सबमिट करने का, हमने आपको सारा डिटेल्स एक एक करके बता दिया है। अगर कोई भी सवाल होती है तो कमेंट जरूर करके पूछ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इस फॉर्म को प्रिंट करेंगे और फिलअप करेंगे। हमें आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कोई सवाल होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा एंड गाइस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।